फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। देखिए, कई स्टार हैं कि जो हमें टीवी शो पर तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब उनका कोई प्रोजेक्ट की खबर आती है तो उनकी सर्चिंग बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ आपकी ईशा मालविया, जो आपको लास्ट बिग बॉस में नज़र आई थी। उसके बाद वो काफ़ी म्यूजिक वीडियो में नज़र आई, जहाँ पे फैंस ने उन्हें जो है काफ़ी पसंद किया। उनका गाना काफ़ी वायरल भी हुआ था। राजस्थानी लुक में जो है अबला नारी तरह जो दिखाया गया, जो दर्शाई गई स्टोरी, वो बहुत ही प्यारी थी और गाना भी बहुत प्यारा था। और आज की डेट में भी वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। लेकिन अगर हम बात करें उन्हीं के साथ, अब प्रतीक सहजपाल का नाम जुड़ रहा है कि प्रतीक सहजपाल भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं, नागिन में भी आ चुके हैं। देखिए, उनकी अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग मुझे उनमें ज़्यादा अभी नज़र नहीं आती है। जो है नागिन में भी वो कुछ टाइम के लिए ही नज़र आए थे। ऐसे में जो है वैसा कोई डेली शो का हमने उनका शो देखा नहीं है। लेकिन हाँ, जियो सिनेमा पे उनका एक बाप शो आया था, उसमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग थी, जिसमें मोहसिन खान और ईशा सिंह भी थी। अब बात आती है ईशा मालविया और प्रतीक सहजपाल, जल्दी आपको एक अपकमिंग प्रोजेक्ट पर नज़र आने वाले हैं। ऐसे में फैंस का कहना है पक्का म्यूज़िक वीडियो ही होगी, क्योंकि आजकल ईशा मालविया काफ़ी म्यूज़िक वीडियो वगैरह कर रही है। प्रतीक सहजपाल ने भी म्यूज़िक वीडियो की है, काफ़ी स्टार करते हैं। अब ये पहली जोड़ी पहली बार देखने को मिल रही है। इन दोनों को हम साथ में पहली बार काम करते हुए देखने वाले हैं। तो ईशा मालविया प्रतीक सहजपाल की जोड़ी, आपको कितनी एक्साइटेड या कितनी खुशी हुई है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।